आज हम स्प्लैश स्क्रीन पे काम करेंगे कि स्प्लैश स्क्रीन कैसे लगाई जाती है। तो सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन के लिए यहाँ पे मैं एक और एक्टिविटी को क्रिएट करता हूँ। यहाँ से एक्टिविटी एक्टिविटी पे एम्प्टी एक्टिविटी को सेलेक्ट करना है, इसको नाम देना है। मैं दे रहा हूँ स्प्लैश स्क्रीन। जी दोस्तों, ये रन होते हुए थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो है। जी तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि मैनिफेस्ट में आना है। मैनिफेस्ट में इसको जो एक्टिविटी बन जाती है यहाँ पर स्प्लैश स्क्रीन वाली, ये इसको हमने मेन एक्टिविटी मेन लॉन्चर बना देना है। तो मेन लॉन्चर ये नीचे एक्टिविटी में पहले से ही आया हुआ होता है, इसको मैंने कॉपी कर दिया है, बल्कि कट कर दिया है और यहाँ पर डाल दिया। और यहाँ से आपने ये दो चीज़ें देनी होंगी। तो स्क्रीन ओरिएंटेशन में देता हूँ पोर्ट्रेट। ओके, तो हमारा ये काम हो गया। अब इस स्प्लैश स्क्रीन की जो लेआउट बनी हुई है ये कांस्टेंट लेआउट है, इसे मैं चेंज करता हूँ लीनियर लेआउट में। ये आप लोगों की मर्ज़ी होती है कि आपने कौन सा लेआउट यूज़ करना है। मैंने ये यूज़ करना है, इसके पीछे मैं एक पिक्चर लगाता हूँ। सो बैकग्राउंड पिक्चर मेरे पास ड्राइबल से उठाऊँगा। सो फ़िलहाल तो मेरे पास नहीं है, मैं इसको मिटा के बीजी कर देता हूँ। और लेआउट ग्रेविटी को मैं कर देता हूँ सेंटर, और ग्रेविटी भी कर देता हूँ सेंटर, ओरिएंटेशन करता हूँ वर्टिकल। ठीक है, सो इसके लिए मेरे पास यहाँ पे एक पिक्चर पड़ी हुई है ऑलरेडी, बीजी, और एक आइकन पड़ा हुआ है, इसको मैंने कॉपी कर लिया है। और यहाँ पर ड्राइवेबल फोल्डर में पेस्ट कर दिए। ठीक है, तो बैकग्राउंड पिक्चर आ चुका है। अब इसके ऊपर मैं एक आइकन लगाता हूँ इमेज व्यू, इसकी साइज़ में रख देता हूँ 200 dp और हाइट कर देता हूँ 200 dp। ठीक है, और इसका बैकग्राउंड में कर देता हूँ ड्राइवेबल आइकन, आइकन आ गया। इसकी लेआउट ग्रेविटी मैंने कर देना है सेंटर, और ग्रेविटी तो इसमें नहीं आएगा। ये पिक्चर हमारे पास आ गया है, इसको मैंने अब स्प्लैश पे लगा के दिखाना है आप लोगों को। तो स्प्लैश में आया, स्प्लैश में यहाँ पर रिक्वेस्ट विंडो फीचर विंडो डॉट फीचर नॉट आइडल, ये लगाए या ना लगाए इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर स्प्लैश स्क्रीन के लिए मैंने हैंडलर को कॉल कर देना है। सो न्यू हैंडलर डॉट न्यू रनेबल। यहाँ पे अब मैंने क्या कर देना है कि यहाँ पर मैंने वो इंटेंट पास कर देना है कि स्प्लैश स्क्रीन के बाद कहाँ जाएं। तो स्प्लिट स्क्रीन के बाद हम इसको भेज रहे हैं मेन एक्टिविटी पे। सो इंटेंट इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट। यहाँ पे आप दिस एक्टिविटी या गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो भी आपको अच्छा लगे वो दे सकते हो, यानी स्प्लिट स्क्रीन डॉट क्लास भी दे सकते हो यहाँ पर। और जहाँ हमने भेजना है तो मेन एक्टिविटी डॉट क्लास, उसके बाद स्टार्ट एक्टिविटी को मैं कॉल करता हूँ स्टार्ट एक्टिविटी, इंटेंट को कॉल करवाता हूँ और इसको फिनिश कर देता हूँ फिनिश। यहाँ पे मैंने वो टाइम बता देना है कि कितने टाइम बाद ये हो, तो मैं इसको 3000 सेकेंड दे देता हूँ। और ये हो गया। जी बिल्कुल, तो ये मेन एक्टिविटी पर आ जाएगा, इसको मैं रन करता हूँ।